गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हिना। कैसे हैं आप? और आप सबको मेरा सलाम नमस्कार। और मैं बिल्कुल ही बढ़िया हूँ। तो जैसे कि देखा आपने टाइटल में कि मैं आज कोई गुड न्यूज़ है, तो आज का सबसे बड़ा गुड न्यूज़ है कि यूके गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि आप इंडियन ट्रैवलर्स जो इंडिया से यूके आ रहे हैं, अब उनको मैंडेटरी सेल्फ क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा ही एक गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ फॉर इंडियन डिप्लोमेसी। तो क्या डिक्लेयर किया है वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले यूके गवर्नमेंट के हाई कमिश्नर जो इंडिया में हैं, उन्होंने एक ट्वीट जारी किया है और उन्होंने ये कहा है कि जो यूके अप्रूव्ड वैक्सीन्स जैसे कि एस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना, फाइज़र, जो ये वैक्सीन्स लेकर इंडिया से यूके आ रहे हैं, अब उनको कंपल्सरीली 10 डे क्वारंटीन में अब नहीं रहना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा एक डिप्लोमेसी की तरफ से भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी जीत हुई है। और 11th अक्टूबर के बाद जो यूके आ रहे हैं इंडियन ट्रैवलर्स, उनके लिए सेल्फ क्वारंटीन यानी 10 दिन का क्वारंटीन उनके घर पे, जो जहाँ पे भी वो रहेंगे वहाँ वो उनको क्वारंटीन ख़त्म रहेगा। पूरे मामले में एक पेच ये है कि जो हमारी इंडियन वैक्सीन कोवैक्सीन को इन लोगों ने अप्रूवल नहीं दिया है। तो कोई अगर ट्रैवलर अगर कोवैक्सीन लगा के यूके आ रहा है तो उसको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। सिर्फ ये कोविशील्ड वालों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ हुआ है। और एक और गुड न्यूज़ जो अभी फ़िलहाल कल ही रात को आया है, ये हुआ है कि हमारे पड़ोसी कंट्री यानी कि बांग्लादेश, जो कि इतने दिनों से अप्रैल से वो भी रेड लिस्ट में था, वो अब 11 अक्टूबर से वो भी ग्रीन लिस्ट में आ जाएगा। तो यूके के ट्रैवलर्स बांग्लादेश जा सकते हैं, बांग्ला के ट्रैवलर्स यूके आ सकते हैं। और अब उनका मैंडेटरी होटल क्वारंटीन भी अब ख़त्म हो रहा है। जैसे कि आपको पता था कि जो यूके में जो लोग आ रहे थे और जो कंट्रीज रेड लिस्ट में थी, उनको मैंडेटरी होटल क्वारंटीन 10 दिन के लिए रहना पड़ रहा था। तो अब बांग्लादेश के लिए ये ख़त्म हो रहा है। होप आपको मेरा ये अपडेट अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।